हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ एडवोकेट शबनम और आज मैं आई हूँ नौने रिजॉर्ट में पिकनिक के लिए। यह हमारे दिमापुर बार एसोसिएशन की तरफ से पिकनिक कम जनरल बॉडी मीटिंग है। यहाँ पे हमारे सीनियर्स भी है, मेरे फ्रेंड्स भी है। अगर चाहे तो हम आपके फैमिलीज़ को भी लेके आ सकते हैं। तो मेरे साथ आए हैं मेरे हस्बैंड एंड दिस प्लेस इज़ परफेक्ट फॉर अ लॉन्ग नेचर वॉक। नेचर वॉक से मेरा मतलब है वॉक करने के लिए बाई बींग क्लोज टू द नेचर, टू द लेक्स, टू द ग्रीनरीज। यहाँ पे बच्चे भी बहुत एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लिए सेपरेट बड़ा सा चिल्ड्रन पार्क भी है। अभी हम जा रहे हैं पिकनिक आइलैंड में खाने के लिए, इसके बाद घूमेंगे। अभी बिना पेट्रोल का तो गाड़ी नहीं चलेगा है, यानी इन लोग तो खाना स्टार्ट कर दिए, इसका मतलब पिकनिक स्टार्ट कर दिए। बिना खा के तो पिकनिक अधूरा ही रहेगा। अभी हम भी जाके कुछ खा के पिकनिक को पूरा करते हैं। खाना हो गया, अभी देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ है इधर। ट्री क्लाइंबिंग, जिप लाइनिंग, स्काई साइकिलिंग, वाओ, काफ़ी सारे एक्साइटिंग आउटडोर एक्टिविटीज़ है यहाँ। लेकिन खाना खा के अभी हम कुछ लाइट ही एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो साइकिलिंग एंड बोटिंग के लिए गए हम सब। बहुत ही खूबसूरत जगह है पिकनिक के लिए और ये रूफटॉप लेक डेक पार्टीज के लिए भी परफेक्ट प्लेस है। ये जगह का जो नाम है नौने रिजॉर्ट, इट्स रियली ट्रू टू इट्स नेम। आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और रॉन्ग, बट नौने का मतलब अंगामी डायलेक्ट में है शांति, सरीन। और सच में ये बहुत ही पीसफुल जगह है। कॉटेजेस भी है विद प्राइवेट बेल्कोनीज। ये परफेक्ट प्लेस है ट्रेवलर्स के लिए फॉर रिलैक्सिंग एंड डिस्ट्रेसिंग। फिशिंग भी कर सकते हैं यहाँ। देखिए यहाँ पे रबर के पेड़ के खेती भी है। रबर जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए रबर के पेड़ में से कट लगाने के बाद कंटेनर लगा देते हैं। इसमें लेटेक्स जमा होते चलता है, फिर ये जमे हुए लेटेक्स को ले जाके रबर बनाते हैं। देखिए इस नेचुरल रबर की इलास्टिसिटी कितना अच्छा है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यह एक्सप्लोर करने के लिए। आप लोग भी ज़रूर आइए, एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।